बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने कार परचेज कर ली और उसके लिए कुछ लोन भी ले लिया, तो क्या इनकम टैक्स के अंदर इस लोन का मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा ताकि मैं कुछ अपना जो है टैक्स सेव कर सकूं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन के ऊपर जो आप ईएमआई पे करते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है और इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। वहीं एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन के अंदर जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट होता है उसका बेनिफिट भी आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर लोगों को लगता है क्या कार लोन जब हम लेते हैं तो क्या उसका भी किसी तरीके का बेनिफिट हम इनकम टैक्स के अंदर उठा सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपका यही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपनी वीडियो को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन और होम लोन पर तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, तो यहाँ पर बेनिफिट मिलने का जो रीज़न है वो क्या है? जो आपका घर है और एजुकेशन है वो आपकी बेसिक नीड्स के अंदर कवर होती है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, एजुकेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास घर हो, तो इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के अंदर इसका बेनिफिट दे देती है। बट जो कार आप परचेज़ करते हैं, कार जो है वो आपकी बेसिक नीड्स के अंदर कवर नहीं होती है। कार को एक लग्जरी जो प्रोडक्ट है वो समझा जाता है। तो इसलिए अगर आप कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर वो कार आपने परचेज़ की है और यूज़ की है बिज़नेस या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कॉमर्शियल पर्पज़ है आपका, तो वहाँ पर अगर आपने कार यूज़ की है उसी पर्पज़ के लिए आपने परचेज़ की है तो डेफिनेटली कुछ जो है एक्सपेंडिचर आपको क्लेम हो जाएंगे, कुछ बेनिफिट जो हैं आपको जो आपने लोन लिया होगा उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंटों के बाद हम ये कह सकते हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, अपना कुछ काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या फिर प्रोफेशनल हैं, या फिर बिज़नेस ओनर हैं, तो उस केस में फिर अगर आप कोई कार परचेज़ कर लेते हैं, लोन पे परचेज़ करें या फिर लोन पे ना भी परचेज़ करें, तो दोनों ही केसेस में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। वो बेनिफिट्स जो है मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी कोई भी बिज़नेस की इनकम नहीं है, बिज़नेस इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम आपकी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाता है कार परचेज़ करने का, चाहे आपने वो कार लोन पे परचेज़ की हो या विदाउट लोन परचेज़ की हो। हाँ, बट यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो कार परचेज़ कर लेता है और वहाँ पे कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है, तो उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस हैं, वहाँ पर आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ मिल जाता है। बट वो एक टोटली ही डिफरेंट इशू है, डिफरेंट केस है, तो यहाँ पर मैं उसको कवर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी आपको जो है कार परचेज़ करके देती है, जहाँ पर आपकी ईएमआई वगैरह जाती रहती है, तो वो टोटल ही डिफरेंट कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि कार का पर्पज़ क्या है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, नॉन सैलरीड पर्सन हैं, कार आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए की है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आपने कार अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की है, प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ की है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में उन्हीं बेनिफिट को हम देख लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, अपना कोई बिज़नेस करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपने जो इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपने जब कार लोन लिया होगा तो उसकी ईएमआई जाती होगी पर मंथ, तो उस ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। तो प्रिंसिपल पे तो आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी ज़रूर आपको डिडक्शन जो है मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आप एक बिज़नेस ओनर हैं, अपना कुछ बिज़नेस का काम है आपका, आपने उस बिज़नेस के पर्पज़ से ही ये कार परचेज़ कर ली और उसके लिए आपने 20 लाख रुपीज़ का लोन भी ले लिया, और जिसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% पर एनम था, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी उस बिज़नेस से इस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करने से पहले वो 25 लाख रुपीज़ थी। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका 20 लाख रुपीज़ का लोन है और 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जो है 2.40 लाख की अमाउंट जो है निकल के आएगी। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी इस इंटरेस्ट को लेने से पहले वो 25 लाख रुपीज़ थी, तो उसमें से ये जो इंटरेस्ट है 2.40 लाख वो आप डिडक्शन ले लेंगे, तो आपके हाथ में जो
इनकम टैक्सेबल होगी, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो केवल 22.60 लाख ही होगी। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर लेंगे। अब इसके अलावा और क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं? तो इसके अलावा जो बेनिफिट आप ले सकते हैं वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो देखिए, आपकी जो कार है वो एक डेप्रिसिएबल एसेट है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा आपकी जो कार है उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसलिए इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं उनको डेप्रिसिएबल एसेट बोला जाता है, और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है मिल जाता है। आप बोल सकते हैं आप एक खर्चा जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी कार की कॉस्ट होती है, तो वो कार की जो कॉस्ट होती है आपकी यूज़फुल लाइफ जो गाड़ी की है उसके अंदर आपको वो इक्वली ही मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई है। अब आपकी जो कार है, चाहे वो आपने लोन पे ली हो या फिर विदाउट लोन ली हो, तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो आपको हमेशा ही मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ज़रूरी नहीं है कि कुछ खर्चे आपको तभी मिलेंगे अगर आपने गाड़ी लोन पे ली होगी। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने गाड़ी लोन पे ली है या ना ली हो, क्योंकि लोन से कोई मतलब नहीं होता है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है। आप एक बिज़नेस ओनर थे, आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए कार परचेज़ करी जो कि 25 लाख रुपीज़ की थी, और डेप्रिसिएशन में मान के चल रहा हूँ कि 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो हर साल आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा दोस्तों, वो मिल जाएगा 2.5 लाख का, आपको डेप्रिसिएशन जो है क्लेम हो जाएगा। तो वही जो ऊपर मैंने फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को मैं रिपीट करूंगा। तो देखिए, इस तरीके से आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 25 लाख रुपीज़ थी। अब ये जो इनकम है आपकी, इसमें से इंटरेस्ट आपने माइनस नहीं किया है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, तो इस 25 लाख में से अब आपको 2.50 लाख का तो डेप्रिसिएशन ही मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो कार की कॉस्ट है वो 25 लाख रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से है। तो 2.50 लाख इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, और जो फर्स्ट पॉइंट था उसके अंदर आपने 2.40 लाख का इंटरेस्ट क्लेम किया था। तो इस तरीके से इस 25 लाख की जो टैक्सेबल इनकम है, इसमें से 2.50 लाख और 2.40 लाख, टोटल 4.90 लाख का आप जो है एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, और आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 20.1 लाख के ऊपर ही जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दो बेनिफिट हमने कवर कर लिए। अब तीसरा बेनिफिट देख लेते हैं। जो तीसरा बेनिफिट आपको दोस्तों मिलेगा, वो आपको मिलेगा GST इनपुट की फॉर्म में। तो देखिए, जब आप कोई कार परचेज़ करते हैं, तो सपोज़ आपने 25 लाख की कार परचेज़ करी, तो जो कार है उसके ऊपर एडिशनल जो टैक्स लग जाता है GST के फॉर्म में, वो 28% GST लग जाता है। तो इस कार के ऊपर आपने 7 लाख रुपीज़ का जो है GST पे कर दिया होगा, तो आप इस GST का भी इनपुट क्लेम कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास GST इनपुट लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है GST के अंदर। तो आप GST के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपने GST सर्टिफिकेट ले रखा है, GST के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में फिर क्या होगा, जो भी आपका GST आउटपुट होगा, सपोज़ आपने उस मंथ में, जिस महीने में आपने कार परचेज़ की थी, उसमें आपका जो GST आउटपुट लाइबिलिटी थी वो 10 लाख रुपीज़ थी, और सेम मंथ में आपने कार परचेज़ की, तो उस कार से आपको 7 लाख रुपीज़ का इनपुट मिल गया। तो इस तरीके से जो आप नेट पेमेंट करेंगे दोस्तों GST की, वो केवल 3 लाख रुपीज़ ही करेंगे। तो देखिए, अगर आपने कार नहीं परचेज़ की होती, तो आपका जो आउटपुट होता, वही आपकी जो है नेट पेमेंट जो है बन जाती, इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ती। तो थर्ड बेनिफिट आपका GST इनपुट के फॉर्म में मिल गया। और फाइनली एक लास्ट बेनिफिट हम और देख लेते हैं। तो देखिए, आपने कार परचेज़ की लोन के ऊपर, तो आपने इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, GST का इनपुट ले लिया। अब इसके अलावा अब खर्चा आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में भी जो है एक खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब ये है, आपने जब गाड़ी परचेज़ कर ली, उस बिज़नेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो जो गाड़ी है वो जब चलेगी, तो कुछ ना कुछ खर्चा उसके ऊपर ज़रूर होगा। जैसे इंश्योरेंस आप ईयरली उसके ऊपर करवाएंगे, तो वो आपकी कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कार की रनिंग कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा रनिंग होगी तो आपको बहुत ज़्यादा सर्विस करानी पड़ेगी, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो आपको सर्विस कम करानी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है आपकी कार की रनिंग कितनी है। इसके अलावा आप रेगुलरली उसके अंदर फ्यूल डलवाएंगे, अदर रिकरिंग कॉस्ट होगी जो कि मंथली आप इसके ऊपर इनकर करेंगे। तो ये सारा ही खर्चा आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी आप उस गाड़ी के ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 बेनिफिट आपको बता दिए जब आप कार को परचेज़ कर लेते हैं। तो अब फाइनली आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखकर चलने हैं, अगर आप ये टैक्स बेनिफिट को क्लेम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, आपका जो पर्पस होना चाहिए इस कार को यूज़ करने का, वो लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस ही होना चाहिए। अगर आपने वो कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर ली, और ITO इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो प्रूव कर देता है कि आपने जो ये कार यूज़ की है वो बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं की है, वो आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की है, तो उस केस में फिर वो ITO जो है आपका उस कार से रिलेटेड जो भी खर्चा आपने किया है दोस्तों, जो मैंने आपको 4 खर्चे बताए थे, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इनपुट हो गया GST का इवन, और जो आपका मैंने
फाइनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बताया था, तो वो सारे ही खर्चे को आपको जो है डिसअलाउड कर सकता है। तो अगर वो खर्चा डिसअलाउड कर देगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाला है, जो कार आपने परचेज़ की है वो आपका जो बिज़नेस का नाम है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो आपके नाम से ही वो बिज़नेस हो सकता है। तो आपकी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा वो बिज़नेस के नाम से ही रहने वाला है। इसी तरीके से जब आपने लोन लिया है, आप वहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं, उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर, तो आप अपने बैंक से उसका इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेकर रखें, क्योंकि वहाँ पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है उससे मैच होना चाहिए। और जितना अमाउंट आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया गया है बैंक के द्वारा, उतना ही अमाउंट अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कीजिए। क्योंकि कल क्या हो सकता है, अगर सपोज़ करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मांग लेता है, तो आपके पास वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही मिलने वाला है। और फाइनली देख ली, कई बार क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसने जो वो कार परचेज़ की है वो उसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेता है और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब ये देख लिया जाएगा कि जो भी आपने वो कार यूज़ की है पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए, उसकी परसेंटेज क्या है। तो उस केस में उसी परसेंटेज के अंदर जो भी खर्चा होगा, इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, तो उसी रेशियो के अंदर वो खर्चा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज़ अगर आपने 100 रुपये का खर्चा किया और उसके अंदर 40% पर्सनल था, तो ये जो 40 रुपीज़ होगा ये आपको डिसअलाउड हो जाएगा, आपकी इनकम मान लिया जाएगा। और आपको 100 रुपये में से अगर 60% आपका बिजनेस पर्पस है, तो वो जो 60 रुपीज़ है वो आपको खर्चा इनकम टैक्स के अंदर अलाउड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं अगर आप उस कार के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था कार लोन को लेकर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप कार लोन पर लेते हैं तो किस तरीके के बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने कार लोन पे नहीं ली हुई, टोटल ही अमाउंट आपने जो है पे कर दी है विदाउट लोन, तो उस केस में भी आपको जो है कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।